हेलो फ्रेंड्स, आप सभी युवा छात्र और छात्राएं जो एसएससी और जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी को केसरिया कमीशन क्लास यानी केसीसी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम को लेके, आपके कैरियर को लेके और आपके अदम्य साहस और धैर्य को लेके जो आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए और हर दिन आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और वहां तक जाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपका एग्जाम अच्छा हो। इसी सीरीज के अंतर्गत आपका एग्जाम अच्छा होने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, उसको और मैच्योर बनाने के लिए, उसे हम आपके लिए से प्रैक्टिस लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, जो कि 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक के जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है वो आपके सामने लेके आए हैं और ये सेट नंबर फर्स्ट है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए ही नहीं बल्कि कंपटीशन का कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, बेहतर स्कोर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई होता है तो वो होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है कि आपको कंसेप्ट मिलता है उस एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, और उसके कंसेप्ट को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्या क्वेश्चन पहले पूछा और अब जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एग्जाम, वैसे वैसे आपका एग्जाम का लेवल क्या बढ़ रहा है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, क्या कंसेप्ट में नया कंसेप्ट जुड़ रहा है, क्या इस कंसेप्ट में बदलाव करने की जरूरत है, ये सारा चीज आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, समय कम है और इस कम समय में हम जानते हैं कि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत सारे सेट प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किए हुए होंगे या आप उसको लाइक करते होंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप करते हैं या आप सेट से भी सेट प्रैक्टिस करते होंगे, वो सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक बात और गांठ बांध लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है और रिविजन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही आपको प्रीवियस क्वेश्चनों का कंसेप्ट बताएगा, यही आपको जो बदलाव हुआ है आपके एग्जाम में वो बताएगा। तो आप इसको मत छोड़िए, इसको मत इग्नोर कीजिए, आप इसका एक बार जरूर रिवीजन कीजिए और जो सेट प्रैक्टिस हम आपको करके दे रहे हैं वो सेट प्रैक्टिस एक बार देखने का जरूर प्रयास करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा, अन्यथा नहीं लाइक कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्लियर? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बेहतरीन चीज आपको दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए, आपके कैरियर को लेकर अच्छा चीजें दे रहे हैं, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2011 से 21 तक है और 21 अभी से पहले का, यानी हम जो स्टार्ट करेंगे इधर रिसेंटली का स्टार्ट करेंगे, यानी 2021 से स्टार्ट करेंगे और घटते हुए क्रम में चलेंगे। सेट प्रैक्टिस बहुत सारा है और कम समय आपका है, तो किसी दिन हो सकता है आपको दो सेट प्रैक्टिस करा के, यानी टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2011 से 21 तक हम आपको कराने का पूरा कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान आप रखिएगा कि आप में जो जोश और जुनून इस जिस दिन से यह वैकेंसी आया है, ये 45,284 शायद इसमें सीट है, और जिस दिन से ये वैकेंसी आया होगा, जोश और जुनून और जज्बा आपके अंदर भरा हुआ होगा, तो उस जोश जुनून और जज्बा को जो है वो बनाए रखिएगा, और जब तक बनाए रखिएगा तब तक कि जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और एग्जाम के बाद भी आपका ये जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक आप इसमें पूरी तरीका से सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद तो जज्बा और भी बनाना है, साहस और भी बनाना, धैर्य और भी बनाना है, तो आप इस लेवल का तैयारी कीजिए कि आप इस योग्य बन सकिए। और हम आप उस लेवल को आपको तैयारी करने के लिए आपके लिए अग्रसर है। इसके पहले से प्रैक्टिस जो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस दे रहे थे सीजीएल लेवल का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो 42 नंबर से तक हम करवाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो मैच किया है आपका बिहार एसएससी में। हाँ, वो अलग चीज है, हम पहले ही कहे थे कि हो सकता है कि इसमें एग्जाम तब तक पवित्र नहीं होता है जब तक कि इसका कोई कैंसिलेशन ना हो, एक बार कैंसिल ना हो। देखिए अब आगे क्या होता है नहीं होता है। खैर, सब कुछ अच्छा रहे यही कामना के साथ हम तैयारी करेंगे, और आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ये ऑनलाइन तैयारी है पूरी तरीका से। आपके पास क्वेश्चन रहेगा 80, 20, 20 की संख्या में, चार सेगमेंट होंगे, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा,
कोई दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही आपको चुनना होगा, जो कि आपके एग्जाम के समय आपका जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है वहां चुनने के लिए होता है, वहीं पर आपके एक और ऑप्शन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश चूज करने का, तो वहां आप हिंदी या इंग्लिश चुन सकते हैं। 20 नंबर का आपका वो रहेगा, 20 नंबर आपका मैथ रहेगा, 20 नंबर रीजनिंग रहेगा और 20 नंबर आपका जीके रहेगा। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हम आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसमें केवल जीके और हिंदी का ही करवाएंगे, बाकी का मैथ और रीजनिंग का आप खुद किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर या आप सेट प्रैक्टिस में देख लीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा था। ये भी ध्यान देंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं ये किस दिन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इस चीज को भी ध्यान देंगे। तो ये 16/11/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, यहीं पर लिख देते हैं 16/11/2021 में प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप देखिएगा वीडियो को और लगातार देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, कम समय है और इस कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना आपको बहुत जरूरी है, रिवीजन करना आपको बहुत जरूरी है। क्लियर फ्रेंड्स, और सबसे बेहतर तरीका होता है स्कोरिंग करने का, सबसे बेहतर तरीका कोई होता है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें अच्छा खासा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, तभी आप कंसेप्ट बनेगा और जब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि आपको पता हो गया होगा कि क्या कंसेप्ट क्वेश्चन में बदल रहा है, क्या ट्रेंड बदल रहा है क्वेश्चन पूछने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते तो ट्रेंडिंग जो चेंजिंग हो रहा है वो भी आपको पता लग जाता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है एग्जामिनेशन हॉल में। और जब ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में जब कॉन्फिडेंस लेके हम एग्जाम को देते हैं ना, तो कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन भी जो होता है वो आसानी से वहां डील हो जाता है, आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ ना कुछ अगर डाउट रह जाता है कि हमने तो इतना सारा सेट प्रैक्टिस किया, हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया ही नहीं, फिर सेट प्रैक्टिस करने से क्या फायदा, तो ऐसे चीज अगर सवाल आपके मन में अगर उठ जाएगा तो आप वहां कंसंट्रेट नहीं हो पाइएगा। इसलिए सेट प्रैक्टिस के अलावा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके पास एक कह सकते हैं कि कंसेप्ट जाएगा और आप कंसंट्रेट लेवल को बढ़ा सकिएगा। और कंसंट्रेशन जब होता है एग्जामिनेशन हॉल में तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप पॉजिटिवली हमेशा मान के चलेंगे। आप या तो 45 नंबर लाएं, या तो 50 नंबर लाएं, या 60 नंबर लाएं, या 80 नंबर लाएं, आप एक चीज को मान के चलिएगा, आप एग्जाम को लेके काफी पॉजिटिव रहिएगा। आप ये मान के चलिएगा कि हम जो तैयारी करके आए उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज आप अपने मन में बैठाइएगा, तभी आप एग्जाम सफल हो पाइएगा। क्लियर, तो आप उस एग्जाम से लेके पॉजिटिव रहिएगा जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वार किया जाए, अगर वो आप रिवीजन कर लिए तो आप में एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन आ जाता है, अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। क्लियर, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप तो युवा है ना, युवा कुछ भी कर सकता है, और युवा ये सोच रखना ही चाहिए कि आप बेहतर करिए और बेहतर करिए, क्योंकि ये तो चुनौती आपको पीटी का है, ये चुनौती तो बहुत कम है। जब पीटी का चुनौती आपके सामने आएगा उसके सामने कोई कुछ है ही नहीं। क्लियर, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने जो आप आगे जाइएगा, जहां कदम आपका आगे बढ़ेगा, जब आपके शरीर पर वर्दी होगा, आपके पैरों में वो जूता होगा जो आम इंसान के पास नहीं होता, आपके सर पर वो टोपी होगा जो आम इंसान के पास नहीं होता है, आपके कंधे पर वो हिस्सा भारत सरकार का होगा, भारत का वो हिस्सा होगा जिसको आप कंधे पे लेके चलिएगा, तो वहां आपको चुनौतियां ज्यादा मिलेगा और उसको फेस करना उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये छोटी सी चीज को निकालिए आप, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका रिवीजन कीजिए, और बेहतर तरीका से पहले एक स्टेज को पार कीजिए, उसके बाद तो आगे का स्टेज आपके लिए ही खुला हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने .. के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ध्यान देंगे, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए। क्लियर, इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो खालसा पंथ था उसका नेतृत्व बंदा बहादुर के द्वारा संभाला जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। बंदा बहादुर ने खालसा पंथ को संभाला, खालसा संप्रदाय को संभाला, और मुगलों के विरुद्ध, मुगल सत्ता के विरुद्ध खिलाफत विद्रोह को आगे बढ़ाया।
ध्यान देंगे, बंदा बहादुर की भी मृत्यु 1716, कहेंगे 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु होती है, 8 × 16 यानी 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि खालसा का विघटन हो जाता है और सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय कर दिया जाता है। जितना भी सिख टुकड़ी, छोटा छोटा सिख टुकड़ी था, वो सभी को खालसा में एक साथ विलय कर दिया जाता है और एक संयुक्त खालसा की स्थापना कर दिया जाता है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखें। तो ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदी। फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि हम इसमें हिंदी और जीके का आपको कराएंगे, जीके और हिंदी का, जिसमें जीके का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, हिंदी का भी आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वीडियो को स्किप नहीं करते तो आपको अच्छा खासा एक नॉलेज मिलेगा 50 नंबर के क्वेश्चन में। ध्यान देंगे, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां हैं। पाकिस्तान में मिथनकोट में कौन सी नदी में जाकर ये 5 नदी मिल जाती है? तो पहली बात ये ध्यान देंगे कि 5 नदियां है कौन कौन जो निकलती है। तो ध्यान देंगे 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, 5 नदियां है। ये 5 नदी का पहले नाम लिखेंगे तो है सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास तथा एक और नदी ध्यान रखेंगे तो झेलम। झेलम, ये 5 नदियां, पंच नदियां जो है वो पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां हैं, पहली बार भारतीय राज्य पंजाब में प्रवेश करती हैं। और ये 5 नदियां जो है वो पाकिस्तान में मिथनकोट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये 5-5 नदियां जो है वो सिंधु की सहायक नदी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ प्राप्त करना है 22 सॉल्यूशन के साथ भी और विदाउट सॉल्यूशन भी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से वहां पर सारा क्वेश्चन का हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, करवा देते हैं, और वहां जाके आप पीडीएफ आसानी से देख सकते हैं, जो कि काफी आपको रिवीजन करने में मदद साबित होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार इसमें था? तो शीर्ष भागीदारी 2019-20 की, क्वेश्चन आपका 2021 का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे कि भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारी देश जो रहा था, 5, अब इसमें तो शीर्ष व्यापारिक भागीदार दिया है, लेकिन आपको देखना है कि 5 जो रहा है वो कौन कौन रहा है। तो ध्यान देंगे पहला जो 5 है वो है अमेरिका, जो प्रथम पर रहा था अमेरिका। दूसरा जो रहा था वह रहा था आपका चीन, यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग। तो चीन दूसरे पर रहा था, सेकेंड पर। तीसरा जो रहा था यूएई रहा था, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो थर्ड पर लिखेंगे यूएई रहा था, संयुक्त अरब अमीरात रहा था। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पर सऊदी अरब रहा था, जो भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, सऊदी अरब। और फिफ्थ पर जो आपका स्थान रहा था वो रहा था आपका हांगकांग। हांगकांग, तो आपका इसमें ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन नंबर बनता है सी, अमेरिका आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर, अमेरिका आपका सही ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? ये सब भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एज रिपीटेटेड हो सकता है, मिल सकता है, क्योंकि काफी बहुत ज्यादा लंबा समय तक, हालांकि करंट अफेयर्स का जो एरिया रहता है, दायरा जो रहता है ये सब एग्जाम में, वो आपको 6 से 8 महीना के अंदर ही रहता है, इतना प्रीवियस भी आपको नहीं पूछेगा। क्लियर, हालांकि आपको एसएससी जीडी के लिए हम आपको करंट अफेयर्स भी अवेलेबल करवा देंगे, जो 6 से 8 महीना के अंदर का करंट अफेयर्स है, वो आप निश्चिंत रहिए, आपको एग्जाम में से आने से पहले ही आपको हम रिवीजन करवा देंगे। क्लियर, जिसमें से ही आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ध्यान देंगे वो टीम हेलो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान देंगे ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है, जो ध्यान देंगे कि कौन जुड़ा हुआ है, तो ग्रीस कर्नाड जो है वो ऑप्शन नंबर डी में। ग्रीस कर्नाड भारत के जाने माने समकालीन लेखक हैं, अभिनेता भी है,
फिल्म निर्देशक भी है और नाटककार भी थे। ध्यान देंगे, इनकी मृत्यु जो 2000 करेंट अफेयर्स इसलिए यह बना क्योंकि 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक बात ध्यान देंगे इनके बारे में, ग्रीस कर्नाड को 1998 ईस्वी में इनके साहित्यिक पुरस्कार के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था इन्हें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारग्राही कला यानी इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। यह कौन से कला को दर्शाते हैं? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी पट्टद कल जो कला है उसको दर्शाया जाता है जो कर्नाटक में स्थित एक कस्बा है। यह कर्नाटक में एक कस्बा, कस्बा का मतलब समझते हैं ना, एक नगर है, कस्बा है। यह उदार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व भी करता है, उदार कला के उच्च कला या उच्च स्तर का यह प्रतिनिधित्व करता है पट्टदकल जो कि एक नगर के रूप में शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, इसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के तहत उत्तरी और दक्षिणी भारत से स्थापित रूप का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त होता है और नौ हिंदू मंदिर जो है एक साथ ही एक जैन की एक प्रभावशाली श्रृंखला देखी जाती है, यही पट्टदकल में ही देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है? ध्यान देंगे, चिराब जो है वो एक प्रकार की जनजाति है जो मिजोरम की पारंपरिक बांस नृत्य बंबू डांस होता है। क्लियर, बंबू डांस होता है। अब यह चिराब जनजाति के द्वारा, चिराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे, चिराव एक प्रकार का नृत्य के रूप में जाना जाता है। चिराब जो है एक प्रकार का बांस नृत्य होता है जिस नृत्य का नाम चिराव कहेंगे या बांस नृत्य या बंबू डांस कहेंगे। अब यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ध्यान देंगे, यह मिजोरम का प्रमुख है, आपका मिजोरम का प्रमुख नृत्य होता है और यह मिजो लोगों द्वारा यानी मिजो जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आपके पास है पिंडर, टोन, शारदा और भागीरथी। तो ध्यान देंगे, सरयू नदी जो है वो शारदा नदी, जिसे शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, इसका उपनाम भी ध्यान देंगे, शारदा नदी का एक और नाम है काली नदी और सरयू नदी जो है इसी शारदा नदी की सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। अब ध्यान देंगे, इस सरयू का उद्गम स्थल जो है वो नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद के पास है। ध्यान देंगे, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के, अब नेपाल हिमालय के मिलान हिमनद, मिलान हिमनद में इसका उद्गम स्थल होता है। क्लियर, जहां से इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, मिलान में इस सरयू नदी को गौरी गंगा कहा जाता है, गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान देंगे कि यह नदी भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई घाघरा नदी में आकर मिल जाती है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे, यह घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूरे किए, इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बार संशोधन किया गया है, यानी संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है 12 जनवरी 2019 तक, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर जो 69वां वर्ष पूरा होता है उस समय तक कितना बार संवैधानिक संशोधन किया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे 103 बार संशोधन किया गया है, ऑप्शन नंबर एक में आपका दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब ये भी बात ध्यान लगे कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था, ठीक है, लागू किया गया था, लेकिन अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपना लिया गया था। क्लियर? तो अपनाना और लागू करना में थोड़ा सा अंतर है और इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित टीम होता है? तो केरल ब्लास्टर्स जो है वो फुटबॉल टीम से संबंधित एक टीम होता है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अब यह भी ध्यान देंगे कि यह फुटबॉल जो है भारत में फुटबॉल के शीर्ष स्तरीय इंडियन है सुपर लीग में खेला जाता है। भारत का फुटबॉल का शीर्ष स्तरीय जो फुटबॉल प्रतियोगिता है उस पर ध्यान देंगे तो वो इंडियन सुपर लीग के तौर पर खेला जाता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी वह 2014 में हुई थी, इस बात का ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण दो की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो भारत में 2020 से 21 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा इसका अगर एनालिसिस करते हैं तो ध्यान देंगे भारत सरकार ने खुले सोच में जो स्थिति मुक्त बनाए रखने के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन जो था उसमें ध्यान देने के लिए 1,40,881 करोड़ के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण के लिए दूसरे चरण का अनुमोदन किया था। कब? तो ध्यान देंगे फरवरी 2020 में। और इस भारत मिशन के तहत ग्रामीण दूसरे चरण को 2020-21 से लेकर इसका जो आंकड़ा है वह 2024-25 के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वित किया गया था। इसी चीज को 2024 से 2025 तक मिशन मोड, ये भी ध्यान रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिशन मोड के तौर पर कार्यान्वित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2023 के लिए भारतीय टीम का कीट प्रायोजित घोषित किया है। क्लियर? कीट प्रायोजित घोषित किया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी MPL Sports। फिर से एक बार क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने .. 2023 तक के लिए भारतीय टीम का कीट प्रायोजक घोषित किया है, किसे? MPL Sports को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी, आप इस बात को ध्यान रखेंगे BSSC सेट प्रैक्टिस के अंतर्गत भी जितना सेट प्रैक्टिस आपको करवाए हैं वहां भी अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे जाके तो आपको काफी हेल्पफुल होगा, आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा कलेक्शन वहां भी है। तो आप ऐसा नहीं कि SSC GD में वह नहीं पूछेगा या अन्य एग्जाम किसी अगर BSSC उसमें दे दिए हम नाम तो BSSC में ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो होता है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन, ये इस एक चीज को कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी उच्च लेवल में कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी तो आप कहेंगे कि 1948 ईस्वी हुई थी। वही क्वेश्चन अगर पूछता है आपका SSC GD या आपका बिहार पुलिस में या दरोगा में तो ऐसा तो नहीं कि उसका आंसर बदल जाएगा, आंसर तो वही आपका रहेगा। इसलिए क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, आप जहां से भी क्वेश्चन मिले उसको रिवीजन कीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ेंगे तो PDF वहां भी अवेलेबल है, सारा क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। ध्यान देंगे क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा अखबार की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे यह एक सुधारवादी पत्र था, यह संवाद कौमुदी जो था वह एक सुधार करने के लिए, समाज में एक सुधार लाने के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। क्लियर? और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, इस पर भी आप ध्यान देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी जो है वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैसी पत्रिका थी, तो साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक पत्रिका थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ध्यान देंगे तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर डी जो है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये भी ध्यान देंगे कि बाकी का ऑप्शन जो है वो सौम्यजीत घोष, ऑप्शन नंबर ए में सौम्यजीत घोष है, ये टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस। ध्यान देंगे अगला है मनिका बत्रा, ये भी टेबल टेनिस से ही है, मनिका बत्रा भी। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, भाला फेंक जो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका और स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था, क्लियर। और प्रत्येक 7 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि 7 अगस्त को भाला फेंक में स्वर्ण पदक आया था भारत में, तो प्रत्येक सात दिवस को भाला फेंक दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी कल्चर डॉट 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 की बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, किसके उत्पादन को बीटी कल्चर, तो अंगूर के खेती करने की क्रिया विधि को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, क्लियर। रेशम कीट का जो पालन किया जाता है उसे सेरी कल्चर के रूप में जाना जाता है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। रेशम कीट जो है वो सेरी कल्चर, जबकि ध्यान देंगे मछली प्रजनन जो आपका है यह पीसी कल्चर के रूप में, पीसी कल्चर के रूप में मछली प्रजनन को या मछली के उत्पादन को पीसी कल्चर के रूप में जाना जाता है। फल सब्जियां का जो अध्ययन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है यह किया जाता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के रूप में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? अब इसमें पूछा है आपका कि द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, अणुओं का अनुपात नहीं पूछा है। अणुओं का अनुपात अगर पूछता तो H2O होता, हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, ये हुआ अणु का अनुपात। जबकि आपसे पूछा द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, तो ध्यान देंगे H2O होता है। अब इसका द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता क्या है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान। जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, का द्रव्यमान बराबर कितना होता है, तो ध्यान देंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, क्लियर। अब द्रव्यमान का दोनों का अनुपात पूछा है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पे है, हाइड्रोजन जो है वहां पे, यहाँ तो हाइड्रोजन H2 लिख दिए हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है उसका 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लियर, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो आपका यहाँ दिया हुआ H2O यानी 2 हाइड्रोजन है, क्लियर। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 परमाणु H2O है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इसका मतलब 1 × 2 बट्टा ऑक्सीजन के 1, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ 1 ही है, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो ध्यान देंगे इससे इसको काटेंगे तो 8 यानी 1:8 होता है आपका द्रव्यमान का अनुपात, क्लियर। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? तो आप ध्यान देंगे भारत जो है इसमें भारत भाग लिया था, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका संयुक्त रूप से मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब ध्यान देंगे यह युद्धाभ्यास हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल एक बार 2020 में, 21 में भी और 22 में भी इसका आयोजन किया गया है वर्तमान समय में। ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया पहली बार 2020 में भाग लिया था, इस तरह युद्धाभ्यास को क्वाड नाम दिया गया था। 2020 में ऑस्ट्रेलिया भाग लिया, इस चीज को आप ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार कब भाग लिया था, तो फर्स्ट बार भाग लिया था 2020 में, और तब इस मालाबार नौसेना अभ्यास को क्वाड नाम दिया गया था। क्या नाम दिया, क्वाड नाम दे दिया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्यान देंगे
प्रयोग किया जाता है स्विच को पूरा करने। सब चीज तैयार हो गया, उसके बाद ऊपर से जामा पहनाना है तो स्विच उसमें लगा दीजिए, आपका बोर्ड पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में 21 अप्रैल, तो स्मॉल डेट भी याद रखेंगे, 21 अप्रैल 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर, जिसमें ध्यान देंगे तो मराठा सेनापति कौन थे, तो सदाशिव राव भाऊ मराठा सेनापति, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेनापति मराठा के तरफ से सेनापति। क्वेश्चन पूछ देता है कि तृतीय पानीपत की तृतीय लड़ाई जो हुई थी उसमें मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मराठा सेनापति जो थे, मराठा सेना का नेतृत्व जो किया था वो सदाशिव भाऊराव, सदाशिव, यहीं पर लिख लेंगे थोड़ा सा, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ। और अगर आपसे पूछेगा कि अफगानिस्तानी शासक का सेनापति या उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान देंगे अहमद शाह दुर्रानी, जो कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि मराठों की हार हो गई थी, सदाशिव राव भाऊ हार गए थे और अफगानी शासक इसमें जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान में राजस्व मंत्री थे? तो ध्यान देंगे अकबर के शासनकाल के नवरत्न राजा टोडरमल थे। ध्यान देंगे अकबर ऐसा शासक था भारतीय इतिहास में जो कि दूसरा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न के रूप में अगर यदि जो देख लेते हैं तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे, जो कि भारतीय इतिहास का दूसरा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहता था, और पहला जो शासक था वह गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में नवरत्न रहते थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली के रूप में जाना जाता है, डॉट क्वेश्चन आपका है, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली की डॉट 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 के रूप में जाना जाता था, किस रूप में इनको जाना जाता था, ध्यान रखेंगे तो भारतीय सॉफ्टवेयर यानी आईटी, इंडियन सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तो इंडियन टेक्नोलॉजी उद्योग के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। क्लियर, आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में फकीर चंद कोहली को जाना जाता है, जो कि नवंबर 2020 में दिवंगत हो गए थे। ध्यान देंगे एसएससी जीडी का बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये भी रहता है कि किनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, करंट अफेयर्स में किनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, तो इस चीज को भी ध्यान देंगे, हम उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा, उसका भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो जो मेन टॉपिक है उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे, वो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ भी उसका ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित होता है? तो सहकारी समिति से संबंधित जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद होता है 43 का बी अनुच्छेद होता है। क्लियर, 43 का बी अनुच्छेद होता है, ध्यान देंगे अनुच्छेद 43 का एक जो होता है ना वो होता है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। थोड़ा सा लिख लेंगे, उद्योग प्रबंधन में, उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, कर्मचारियों की सहभागिता, ये अनुच्छेद 43 के एक में कहा गया है। क्लियर, और 43 का बी तो आप देख ही लिए, इसके अलावा आप समझेंगे कि 31 का ए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 31 का ए में समझेंगे क्या है, तो संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा, संपदा के अधिग्रहण में, संपदा के अधिग्रहण में कानून की सुरक्षा की चर्चा जो किया गया है वो किया गया है, संपदा का मतलब संपत्ति, तो संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर कानून की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। जबकि 31 के बी में समझेंगे तो
कि इसमें कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता से संबंधित है। कुछ अधिनियमों को वैधता से संबंधित नियम और कानून की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 से 12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई है कितने प्रतिमाह, तो 8 गुना 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के द्वि आवेशित यानी डबली चार्ज्ड आयन होते हैं, कौन सा आयन होते हैं जिस चीज को आपको ध्यान देंगे, तो वो हीलियम प्लस आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इनकी संरचना 2 प्रोटीन एवं 2 न्यूट्रॉन के द्वारा की जाती है। अल्फा कण की संरचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो कौन है, तो ध्यान देंगे इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हिंदी से समझेंगे, हिंदी में 25 क्वेश्चन आपका जीके हो गया, 25 क्वेश्चन हिंदी में समझेंगे, जल्दी में समझेंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यमुना का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो अर्कजा जो है वो यमुना का समानार्थी शब्द होता है। अर्कजा ही केवल नहीं, और भी इसको याद रखेंगे तो अर्कजा के अलावा भी अगर याद रखते हैं तो ध्यान रखेंगे कालिंदी हो गया, जमुना हो गया, कृष्णा हो गया, रवि सुता हो गया, ये सभी, तो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देके लिख लेते हैं। जमुना, इसके अलावा ध्यान देंगे जमुना के अलावा कृष्णा, ये सभी समानार्थी है किसका, जमुना का। इसके अलावा कालिंदी, इसके अलावा रवि सुता ETC, ये सभी जो है ना वो यमुना की समानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में जो दिया गया है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, बाकी गलत है, तो सही ढंग वाला आपको बताना है क्या होगा सही ढंग। तो ध्यान देंगे मातृहीन लिखा हुआ है, माता के बिना, तो मातृहीन जो है वो गलत तरीका से लिखा हुआ है, मातृ ये भी गलत तरीका से, और मातृहीन ये तो गलत है, तो मातृहीन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। शुद्ध वर्तनी को भी आप बड़ा केयरफुली इसको आंसर देंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, SSGD में रहता है, ऐसा कोई तीर मारने वाला चीज इसमें नहीं होता है, लेकिन बस कुछ चीजों पर अगर ध्यान देते, कंसंट्रेट रखते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपका आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अगर आप हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं, बिहार जाहिर सी बात है हिंदी भाषा क्षेत्र से सबसे ज्यादा रिजल्ट तो SSC GD आर्मी वाला वगैरह वगैरह में तो आपका बिहार से सबसे ज्यादा रिजल्ट होता है, तो आप हिंदी में अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं 25 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में, आप अगर 18-17 नहीं कर दे रहे हैं, कम से कम 18-17 नहीं कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हिंदी भी सही तरीका से आप नहीं पढ़ पाए, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा ईजी रहता है। विकल्प का चयन करें, ध्यान दीजिएगा, मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, तो इसमें क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, याचना कर रहा है या आराधना कर रहा है, तो ध्यान देंगे मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। अब देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है कमल, कमल का समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान देंगे अंबुज हो सकता है, पुष्कर हो सकता है, जलज हो सकता है, राजीव हो सकता है, बनज हो सकता है, सरोज, सारंग, अरविंद इत्यादि, ये सभी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन में आ गया अरविंद। इसके अलावा भी कमल का ध्यान रखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा अंबुज हो गया आपका, इसके अलावा भी हो गया जलज, पुष्कर, बड़ा अच्छा है पुष्कर, इसके अलावा राजीव, इसके अलावा ध्यान रखेंगे बनज, सरोज,
सारंग, सारंग, ये सभी जो है वो कमल का समानार्थी शब्द होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है इसमें अरविंद पूछा है, अरविंद जो होता है कमल का समानार्थी। जलज जो होता है ये क्वेश्चन भी आपको खूब पूछता है समानार्थी वाला में। जलज किसका समानार्थी शब्द होता है, ये कमल का समानार्थी शब्द में ऑप्शन आपका जलज भी मिलेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकाश से लिखा गया है और एक सही ढंग से है और चार गलत है, तो ध्यान देंगे अनधिकार होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। अनाधिकार किया इस तरीका से लिखा जाता है, गलत हो जाएगा। अनाधिकार है और अनधिकार है, तो आपका सही ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है, अनधिकार होता है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा एक मिनट, अनाधिकार इसमें लिखा हुआ, अनधिकार होता है, अनधिकार, अनाधिकार नहीं अनधिकार, ऑप्शन नंबर सी, ए सॉरी ए, अनाधिकार यहाँ गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। अब ध्यान दीजिए, मैं पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए हैं, पिताजी जो है मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए हैं, तो ध्यान देंगे कोई दिक्कत नहीं है इस शब्द में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए, गुण दोष का समरूप तरीका से मूल्यांकन करता है, यानी गुण दोष का समानार्थी स्वरूप का आपको पहचान करना है, तो ध्यान देंगे समीक्षक जो होता है ना, समीक्षक वो गुण देश का समरूप होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है उपयुक्त शब्द का चयन करके, क्लियर, चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ध्यान देंगे तीनों डॉट 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 के स्वामी है इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, तो कौन है, तो आप ध्यान दीजिएगा भुवनों का प्रयोग यहाँ पे बहुत होगा क्योंकि यह बहुवचन के साथ प्रयोग आएगा, तो बहुवचन जो है भुवनों है, यहाँ पर धरती एक वचन है, भवनों भी यहाँ पर है, तो भवनों का तो प्रयोग यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि आपका शब्द के अनुसार भवन होगा ही नहीं, आकाश भी नहीं, तो भुवनों, तीनों भुवनों के स्वामी है, ऑप्शन जो है वो ध्यान देंगे भुवन का अर्थ क्या होता है, तो लोक परलोक, भुवन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है लोक परलोक, लोक परलोक होता है, अर्थात सही वाक्य अगर देखा जाए तो तीनों भुवनों के स्वामी जिसको हम लोग कहेंगे महादेव, तीनों लोकों के स्वामी कौन होते हैं, त्रिलोकीनाथ यानी महादेव होते हैं, तो ध्यान देंगे भुवनों के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए, अब इसका उल्टा चुनने के लिए आपको कहा है, तो सद्भाव है जिसका मतलब होता है सामंजस्य, जिसका मतलब होता है समरसता, जिसका मतलब होता है एकता, समरसता या एकता, अब जब समरसता और एकता आ गया या समभाव आ गया जिसका मतलब होगा विलोम, दुर्भाव कीजिएगा, सबके साथ समभाव रखने का मतलब होता है, या यहीं पर लिखेंगे समभाव, समभाव का मतलब होता है दुर्भाव, उल्टा इसका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वियम के विरुद्ध बात, तो क्या यह वियम जो है ये पहले से ही आपका क्वेश्चन में ही त्रुटि है, सामान्य वियम नहीं होगा यहाँ पे, होगा सामान्य नियम, तो आप इसको ऐड कीजिएगा, इसमें मिस्टेक हुआ है ये टाइपिंग करने में, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है, तो सामान्य नियम के विरुद्ध किया गया जो बात होता है ना वो होता है अपवाद में, क्लियर, उसे अपवाद कहा जाता है, इस चीज का आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य है और वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुनेंगे, ध्यान देंगे आपका शब्द क्या लिखा हुआ है कि वाक्य क्या है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, ध्यान देंगे आपका क्वेश्चन पूछता है स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो क्या इसमें कोई त्रुटि आपको नजर आ रहा है, तो ध्यान देंगे वह जो है इसमें अप्रोक्स लग रहा है, इसमें जो है वो अलग से जोड़ा हुआ लग रहा है, ऐसे लग रहा है इसमें वह नहीं होना चाहिए, स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया, वह जोड़ने की क्या जरूरत है, अब वह का मतलब क्या होगा, क्लियर, तो दिए गए वाक्यांश में वह के स्थान पर ऐसा भी हो सकता है कि उसने लिख सकते हैं,
इसके स्थान पर लिख सकते हैं कि उसने, अब वह लिखने से अच्छा है इसके एप्रोप्रिएट ये नहीं बैठा, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, क्लियर, ये बात आपका सही हो जाएगा, क्लियर। तो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख लगना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आंख लगने का मतलब होता है कि झपकी आना, झुकनी आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। डॉट 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 से गहने बनते हैं, तो ध्यान देंगे किससे गहने बनते हैं, तो ध्यान देंगे सोना चांदी से ही ना गहना बनता है, तो सोना से गहना बनता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सोने ये भी ऑप्शन के तौर पर, ऑप्शन नंबर सी तो आया हूं, ध्यान देंगे सोना यहाँ पे सोना वाला सोना भी हो सकता है, तो उससे बढ़िया सोने से गहने बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द बनाइए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे आप एक शब्द में अगर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? तो किवंदती, जो पहले से चलती आ रही किवंदती कहा गया है, कह सकते हैं कि कहावत कहा गया। किवंदती का मतलब क्या है? कहावत, जो जन साधारण बात चलती आ रही है, तो आप इसको किवंदती कह सकते हैं या आप इसको एक ही शब्द में किवंदती के रूप में शामिल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्प हैं, एक विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बैठाता है। कथा के बैंगन, कथा के बैंगन का मुहावरा आपको बनाना है, तो केवल दूसरों के लिए जो उपदेश है ना वही कहलाता है कथा के बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, तो द्रुत, विलोम का मतलब होता है उल्टा, द्रुत का मतलब होता है तेज, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ द्रुत का आपको विलोम चुनना है। ऑप्शन दिया हुआ जड़, अद्वैत, मंथर या वेग, तो आपका सही आंसर होगा मंथर, मंथर मतलब धीमा, अध्रुव मतलब तेज, द्रुत मतलब तेज। क्वेश्चन है, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि इसमें से आप बताइए। ध्यान देंगे लिंग के कारण इसमें त्रुटि आया है, मुझे मजा आती है तो लिंग के कारण इसमें त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसा है, मजा जो है वो पुलिंग, मजा जो है वो पुलिंग है, इसमें आती है तो लिंग के कारण इसमें त्रुटि आया है, यहां आता होना चाहिए लेकिन है आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुनिए। क्वेश्चन ध्यान देंगे, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक, दूसरा वाक्यांश, तीसरा वाक्यांश को बुलाए, और चौथा जो है वाक्यांश कोई त्रुटि इसमें नहीं है, तो ध्यान देंगे तीसरा जो है आपका को बुलाए, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, यही जो है आपका त्रुटि के रूप में आएगा। अब इस बुलाए के स्थान पर क्या होगा भाई? तो इस बुलाए के स्थान पर होगा बुलाया, को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ध्यान देंगे आप ये आपको हिंदी भी देने का मेरा यही एक कंसेप्ट है कि आप कंसेप्ट को समझिए कि हिंदी किस तरीका से पूछता है और आपको जवाब कैसे देना है, क्लियर। तो आप यही क्लियरिफाई अगर कर लेंगे तो आपको वहां एग्जाम में बड़ा आसानी होगा। ध्यान देंगे, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, उपर्युक्त का आपको चुनना है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो ध्यान देंगे आपका यहाँ पे नहीं होगा, होगा मैं आपकी दर्शन करने आया हूं, क्लियर। अब यहां पे मैं आपका दर्शन करने आया हूं तो आप ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा आपका ऑप्शन बनेगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आपके, क्योंकि किसी से दर्शन करने जा रहे हैं इसका मतलब वो आपसे बड़ा है, यानी वो आपसे योग्य है, तो आपके करके उसको सम्मानित करेंगे, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं आपका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, क्लियर। तो आप ध्यान देंगे कि
इसमें जो है दिए गए वाक्य में डर या भय का बोध हो रहा है, दिए गए वाक्य जो है उसमें डर या भय का आपको बोध करा रहा है। इसलिए उत्साह के स्थान पर साहस होना चाहिए। ये जो है उत्साह का मतलब तो आपको और उत्साहित करना होता है, लेकिन इसमें भय को संबोधित कर रहा है। पूरे वाक्यांश को पढ़ेंगे तो भय, क्योंकि गाय मारती है इसलिए कोई छू नहीं सकता है, तो इसमें भय दिया हुआ है, तो भय में उत्साह कहां से आएगा। तो यहां पे उत्साह के स्थान पर आपका साहस होना चाहिए, साहस। तो मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी गाय मारती है। तो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक अनुच्छेद आपका दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन रहता है, निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन रहता है। तो अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़िए और इस अनुच्छेद के अनुसार ही आपका क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन का जवाब देना है। और आपको चार विकल्प वहां पर दिए हुए रहेंगे, ध्यान देंगे। पहले पढ़ेंगे, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन रात गुजारते थे और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लिए। गाय की साज सामान संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से उस साधु ने शादी कर ली। अब परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। अब इसको इसका लक्ष्य था कि संत बनकर हम लोक कल्याण करेंगे, लेकिन लक्ष्य तो अब शादी विवाह कर लेने के बाद पारिवारिक दुनिया में आ गए। अब लक्ष्य कहीं और था और आ गए कहीं और। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। ये आपका अनुच्छेद रहा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। साधु अपना निर्वाह डॉट 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 करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्या हुआ, खेती करते थे? नहीं। बच्चों को पढ़ाते थे? नहीं। भिक्षाटन करते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द इसमें लिखिए। तो आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द जो आया है वो जरूरत आया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। तो महत्वाकांक्षा जो है वो उसका उचित अर्थ जो होगा वो होगा उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा रखना, यही महत्वाकांक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए, यानी इसका उल्टा चुनिए परमार्थ का। तो परमार्थ का उल्टा जो होता है वो होता है स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? बिल्ली पाल ली, और बिल्ली को पालने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी। गाय पाल ली, गाय को पालने देखरेख करने के लिए साथ संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर लिए। यही कहानी रहा। तो ये 50 क्वेश्चन का एसएससी जीडी का ये सेट प्रैक्टिस रहेगा। आपका सेट प्रैक्टिस आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो कमी भी रह जाता है वो भी कमेंट में बताइएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो भी सेट प्रैक्टिस हम पहले भी करवाए जीके जीएस का उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। हार्दिक शुभकामनाएं।